हेलो दोस्तों, PhD का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 15 मार्च से इसकी लास्ट डेट रहेगी और इसका एग्जामिनेशन सेंटर उदयपुर ही रहेगा। दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी 55% मार्क्स रहेगी मास्टर डिग्री के अंदर, और आपकी यदि 4 ईयर्स की बैचलर डिग्री है तो उसके अंदर आपके 75% मार्क्स होने चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनलर MBC NCL एंड PhD कैंडिडेट के लिए। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि कोई भी कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड नहीं रहेगा UGC CISR नेट JRF को छोड़कर। आगे देखते हैं दोस्तों, ये रिजर्वेशन राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा और सब्जेक्ट वाइज रहेगा। ऑफिस स्ट्रक्चर इन्होंने बताया कि जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन OBC क्रिमिलियर MBC क्रिमिलियर के लिए 2000 रुपये रहेगी और PhD SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर MBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 1000 रुपये रहेगी। दोस्तों, इन्होंने एग्ज़ाम का पैटर्न बताया है कि 100 MCQ आएंगे जिसके अंदर 50 MCQ रिसर्च मेथोलॉजी से होंगे और 50 MCQ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये जनरल इकोनॉमी वीकर सेक्शन OBC क्रिमिलियर MBC क्रिमिलियर के लिए 50% पासिंग क्राइटेरिया होगा और बाकी अदर के लिए 45% का क्राइटेरिया होगा जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर रोल नंबर वगैरह और कैंडिडेट के नाम वगैरह अपलोडेड होंगे सिर्फ वही एलिजिबल होंगे रिसर्च इंटर्नशिप टेस्ट के लिए, तो ये आप देख लीजिएगा। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट बताए हैं, इन्होंने सीटों की संख्या भी बताई है। आप फॉर्म फिलअप करते वक्त सीटों की संख्या देख लीजिएगा कि सीट वेकेंट है या नहीं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। या आप स्क्रीन पॉज करते हुए देख सकते हैं दोस्तों, ये टोटल 37 सब्जेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने आप बताया कि यदि कोई मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई कर सकता है, और यदि वो टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर भी अप्लाई करना चाहता है तो उसको सेपरेटली फॉर्म फिलअप करना होगा, और ऐसे ही इन्होंने फिजिकल एजुकेशन और योगा के लिए बताया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर वेबसाइट बता दी है कि यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।